हेलो गाइस, दिस साइड आकाश माथुर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अगर हमें किसी भी सी प्रोग्राम कोड को राइट करना है या किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो हम किस किन किन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एनवायरमेंट सेटअप फॉर सी लैंग्वेज। तो इंटरनेट पर हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पहले से अवेलेबल हैं जिनके अंदर जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं इंपॉर्टेंट टूल्स और इंटीग्रेटेड टूल्स, जिसकी मदद से हम जो भी हमारा सी प्रोग्राम कोड है उसे इजी मैनर में राइट कर सकते हैं। तो इन टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम जानते हैं आईडीई के नाम से। और जो हमारा आईडीई है, अगर हमें एक जो हमारा आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें अगर हमें सी जो हमारा सी लैंग्वेज के जो भी प्रोग्राम कोड्स हैं उन्हें राइट करना है तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो भी हमारे आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के जो टूल्स हैं, इंटीग्रेटेड टूल्स और इंपोर्टेड टूल्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टू राइट अ सी प्रोग्राम कोड। और उससे भी ज़्यादा जानना हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जो भी हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके सी प्रोग्राम कोड्स किस तरीके से लिखे जाते हैं और उनमें जो भी हमने फंक्शंस इंट्रोड्यूस कराए हैं या राइट किए हैं सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के थ्रू, तो उन फंक्शंस के क्या इस्तेमाल है एक मतलब डेवलप करने के लिए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को, तो उन फंक्शंस के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है जो भी हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके फंक्शंस को, कि उन फंक्शंस के क्या क्या इस्तेमाल हैं और किस तरीके से उनकी वर्किंग होती है उन फंक्शंस के। अब हम बात करेंगे आईडीई की। तो जो हमारा आईडीई है स्टैंड करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए। जो हमारे आईडीई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस्तेमाल में आते हैं डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स को इन अ ईजी मैनर, क्योंकि जो हमारे आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को कंटेन करते हैं कंपाइलर, डीबगर, टेक्स्ट एडिटर और अदर इंटीग्रेटेड टूल्स को, जिनकी मदद से जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उन्हें डेवलप कर सकते हैं और जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें ईजी मैनर में डेवलप कर सकते हैं अपने हमारे जो इंटीग्रेटेड टूल्स हैं आईडीई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के, उनका इस्तेमाल करके। जो हमारी स्मॉल टॉक जो हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसके लिए सबसे पहला आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया था। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के, जिसकी मदद से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे जो एग्जांपल्स हैं आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के वो है हमारे कोड ब्लॉक्स, बोल्ड एंड सी, टर्बो सी एंड नेटबीन्स। इनकी हेल्प से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाई यूज आईडीई नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा आईडीई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से वो कंटेन करते हैं कंपाइलर, डीबगर, टेक्स्ट एडिटर और अदर इंटीग्रेटेड टूल्स को, तो ये हमारे लिए ईजी बना देता है एक प्रोग्राम को लिखने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। और जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसके थ्रू हम क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी प्लेन टेक्स्ट फाइल्स को इन अवर कंप्यूटर सिस्टम। तो जो हमारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं, अगर हमें उन टेक्स्ट एडिटर्स पे किसी भी सी प्रोग्राम कोड को लिखना है तो हम लिख तो सकते हैं, लेकिन हमें एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि जो हमारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, लेकिन वो कोई भी कंटेन नहीं करता कंपाइलर, डीबगर और अदर यूजफुल टूल्स को, जिसकी मदद से हम एक सी प्रोग्राम में जो भी हमने सी प्रोग्राम कोड लिखा है थ्रू सी लैंग्वेज उसे रन कराने के लिए। क्योंकि जो हमारा आईडीई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो तो कंटेन करते हैं हमारे जो भी हमारे कंपाइलर, डीबगर और टेक्स्ट एडिटर वगैरह और अदर इंटीग्रेटेड टूल्स को, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है ना ही वो कंपाइलर को कंटेन कर रहा है, ना डीबगर को कंटेन कर रहा है और ना ही अदर यूजफुल टूल्स को कंटेन कर रहा है। इसलिए जो टेक्स्ट एडिटर पे हमें मुश्किल होती है, अगर हमने प्रोग्राम लिख भी दिया तो उसे फिर हमें कैसे कंपाइल कराएं, उसे कैसे रन कराएं, तो ये परेशानी हमें पड़ती है अगर हम कोई भी प्रोग्राम कोड लिख रहे हैं सी का टेक्स्ट एडिटर पे। तो अगर आपने कोई भी कोड लिख लिया टेक्स्ट एडिटर पे तो उसके लिए आपको एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप उस पर सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आपने प्लेन टेक्स्ट लिख दिया, जो भी आपको प्रोग्राम कोड्स लिखने थे सी प्रोग्राम कोड जो भी आपको लिखने थे सी लैंग्वेज के, तो आपने लिख दिए वो कोड्स, लेकिन आप उसे कंपाइल कैसे कराएंगे? तो जो भी आपने सोर्स कोड लिखा है उसे कंपाइल कराने के लिए आपको एक कंपाइलर चाहिए होगा, ताकि जो भी आपने सोर्स कोड लिखा उसे हम कन्वर्ट कर सके फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में। और जब हमारे पास फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आ जाएगा, हमारा जो प्रोग्राम कोड होगा फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कोड, फिर हम उसे रन कराएंगे। तो इस तरीके से हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी।
तो हमारे पास फ्री में कुछ फ्री में अवेलेबल है कंपाइलर्स हमारे ऑनलाइन ऑनलाइन, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि GNU C हो गया हमारा, और GNU C++ कंपाइलर्स हो गए, जो कि आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देंगे फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में। अगर आपके पास ये आपको ये नहीं मिल पा रहे हैं GNU C या C++, तो आप दूसरे कंपाइलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सोलरइस और HP वगैरह के आप कंपाइलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उस पर हमें थोड़ी मुश्किल होती है प्रोग्राम को लिखने में, उसे एग्जीक्यूट कराने में, उसे कंपाइल कराने में, क्योंकि उसमें जो हमारा टेक्स्ट एडिटर कंटेन नहीं करता किसी भी इंटीग्रेटेड टूल्स को, जैसे कि कंपाइलर, डीबगर वगैरह वगैरह को। इसलिए IDE एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे बेस्ट है कंपेयर टू टेक्स्ट एडिटर। तो इसलिए हम IDE एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, जो भी हमारे सी लैंग्वेज के होते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हिट बटन लाइक करें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक बटन हिट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो देन बाय गाइस, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।